स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास एट का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज हम 7.7A स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम बिना देरी किए हुए एक्सरसाइज 7A पर चलते हैं। अगर स्टूडेंट्स मैं आप सभी स्टूडेंट्स से विशेष आग्रह यह करना चाहूंगी कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियोज पसंद आ रही है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग एंड चेक द आंसर। तो क्वेश्चन हमें करना है, मतलब क्वेश्चन को पहले हमें सॉल्व करना है, फिर उसके क्वेश्चन जो आंसर आया है उसको हमें फिर चेक भी करना है कि आंसर सही भी आ रहा है या गलत आ रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7A। मैथ कौन सा है ये? नीति कानूनों का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट 13x-8/4x+1=2 दिया हुआ है हमें। तो हमें क्या करना है, इसी प्रकार से आपके मैथ में एग्जांपल्स दिए हुए, सबसे पहले हमें इसको कैंसिल करना है, 4x+1 को हमें कैंसिल करना है। तो कैंसिल कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई दोनों साइड 4x+1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा इसमें 4x+1 कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई y 4x+1 बोथ साइड, दोनों साइड करेंगे तो दोनों साइड करने के लिए क्या है 3x-8 और 4x+1/4x+1=2 4x+1। ठीक है, समझ आ गया यहां तक, क्लियर है? तो ये दोनों सेम है तो कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 13x-8=2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, 2 4 8x+2। तो इसे इधर लेके आएंगे 13x-8x=2, ये इधर जाएगा 2, इधर प्लस का है, इधर माइनस का है तो इधर प्लस का, तो क्या आ जाएगा 13 में से 8 गए 5x=10 और x=10/2 तो सॉरी 5 से 5 2 10, तो x की वैल्यू क्या आई है 2 आ गई। अब इसे हम चेक कैसे करेंगे, अब हमें ये चेक भी करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो 13x-8/4x+1 जो x=2 आया है, उसको इसमें पुट कर देंगे x की जगह। ठीक है, तो लिखते हैं 13 × 2-8 और 4 × 2+1, तो क्या आ जाएगा 13 × 26-8/4 2 8+1, तो क्या आ गया 8 गए तो 18 × 9, 9 2 18, तो आ गया दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई हमारी, क्योंकि 2 ही तो आया x की जगह 2, और इस क्वेश्चन में भी हमें इसके इक्वल क्या दे रखा है 2 दे रखा है। ठीक है, तो 2 ही आना चाहिए था, तो हमारा 2 आ गया है, तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है चेक कैसे करना है, चेक अब आप खुद कर लीजिए, इसको सॉल्व मैं कर देती हूं। इसी प्रकार से इसका दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में दिया है 4x-3 और x+3=5, तो करते हैं इसका मल्टीप्लाई 5x+3 इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में कर देंगे तो कैसे करेंगे 4x-3/x+3 × x+3 = 5 और x+3 दोनों साइड करनी है
कैंसिल, तो 4x माइनस 3 इजकल टू 5, 5 की 5x और 5 3 जा 15, तो इधर ले आएंगे 4x माइनस के 5x इजकल टू 15 प्लस के 3, तो यहाँ से माइनस x इजकल टू 18 और x इजकल टू माइनस के 18, इतना आ गया। अब इसे चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या था 4x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3, क्वेश्चन ये ही है, ठीक है। तो रखते हैं वैल्यू, x इजकल टू क्या है माइनस के 18, तो 4 इंटू माइनस 18 माइनस के 3 अपॉन माइनस के 18 और प्लस के 3, तो क्या आ जाएगा माइनस के 72, 18 फोर जा 72 और माइनस के 3 अपॉन माइनस के 15 बचे, 18 में से 3 गए 15 और यहाँ से क्या बचा माइनस के 75 अपॉन माइनस के 15, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 15 5 जा 75, तो दोनों प्रूव हो गए। राइट हैंड साइड भी इसकी क्या थी 5 ही थी और हमारी यहाँ पर भी 5 आ चुकी है। इसी प्रकार इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन मैं करा देती हूँ। 4 5x प्लस 3 अपॉन 9 माइनस एक्स इजकल टू 7, तो करेंगे मल्टीप्लाई, बाई 9 माइनस एक्स बोथ साइड, दोनों साइड करनी है तो 5x प्लस 3 और यहां पर भी 9 एक्स और अपॉन 9 माइनस एक्स इजकल टू 7, 9 माइनस 9 माइनस एक्स, तो कैंसिल, क्या आ गया 5x प्लस 3 इजकल टू 7, 9 जा 63 और माइनस के 7x, तो 5x प्लस 7x इजकल टू 60 माइनस के 3, तो 12x इजकल टू ये 63 है, ये हमारा 63 है, तो यहाँ से क्या बचा 60 और x इजकल टू 60 अपॉन 12, तो 12 5 जा 60, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। चेक करेंगे सेम, एक ही तरीका है चेक करने का सेम, तो वैल्यू रख देंगे क्या है 5x प्लस 3 और 9 माइनस एक्स, तो रखेंगे 5 इंटू 5 प्लस के 3 और 9 माइनस के 5, तो 5 5 जो 25 और 3 28 हो गया और यहां से बचा 4, 4 7 जा 28, तो x तो यहां पर भी क्या आ गया 7, तो x की वैल्यू भी 7 है, यहां इधर भी क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो ये भी तो 7 ही आ गया। इस तरीके से करेंगे, ठीक है, तो इस यहां पर ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। इसी प्रकार से इसका पांचवा क्वेश्चन है, x माइनस 11 और x माइनस 5 इजकल टू माइनस के 5, माइनस के 5 आना चाहिए, तो पहले इसे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, फाइव एक्स माइनस के 5 बोथ साइड, दोनों साइड करेंगे तो x माइनस के 11 और x माइनस के 5 अपॉन x माइनस के 5 इजकल टू माइनस के 5 है, तो x माइनस के 5, तो ये कैंसिल, तो x माइनस 11 इजकल टू माइनस के 5x और प्लस के 25, तो इधर लेकर आएंगे x प्लस के 5x हो जाएगा और यहाँ से 25 प्लस 11, तो क्या हो गया ये 6x और ये 36, तो x इजकल टू क्या हो गया 36 अपॉन 6, 6 से 6 6 जा 36, x इजकल टू 6 हो गया, क्लियर है यहां तक। अब इसे चेक कर लेते हैं, पुट x इजकल टू 6, तो क्या है x माइनस 11 और x माइनस 5, तो x तो 6 माइनस के 11 और यहां से 6 माइनस के
फाइव, तो क्या बचेगा माइनस के फाइव अपॉन वन, तो वन तो ये फाइव, तो क्या हो जाएगा माइनस के फाइव, तो बचेगा माइनस के फाइव को वन से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा फाइव ही बचेगा माइनस के, एट बी माइनस थ्री और टू बी प्लस फाइव इजकल टू माइनस के नाइनटीन। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन करना है, मल्टीप्लाई कर देनी है दोनों साइड, किससे करनी है टू बी प्लस फाइव से, तो एट बी माइनस के थ्री अपॉन टू बी प्लस के फाइव, टू बी प्लस के फाइव इजकल टू माइनस के नाइनटीन टू बी प्लस के फाइव, तो ये कैंसिल, तो क्या बचा एट बी माइनस के थ्री इजकल टू नाइनटीन टू जा थर्टी एट बी और नाइनटीन फाइव जा माइनस प्लस माइनस नाइन्टी फाइव, नाइनटीन फाइव जा नाइन्टी फाइव एट बी और प्लस के थर्टी एट हो जाएगा इधर आके, और इधर नाइन्टी फाइव और इधर प्लस के थ्री, और ये कितना हो गया फोर्टी सिक्स बी इजकल टू माइनस के नाइन्टी टू, तो बी इजकल टू क्या हो जाएगा माइनस के नाइन्टी टू अपॉन फोर्टी सिक्स, तो फोर्टी सिक्स टू जा नाइन्टी टू, तो बी इजकल टू क्या आ गया माइनस टू। चेक कर लेते हैं क्या है क्वेश्चन, एट बी माइनस थ्री और टू बी प्लस के फाइव, तो बी की वैल्यू रख देंगे एट इंटू माइनस टू और माइनस के थ्री, टू इंटू माइनस टू प्लस के फाइव, एट टू जो सिक्सटीन माइनस के और माइनस के थ्री, और यहाँ से माइनस के फोर और प्लस का फाइव, तो क्या बचेगा माइनस के नाइनटीन अपॉन वन, तो क्या आ जाएगा माइनस के नाइनटीन, तो राइट हैंड साइड भी हमारी माइनस के नाइनटीन है, ये रही, चेक कर लो ठीक है। इस प्रकार से करने हैं क्वेश्चन, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन है, तो क्वेश्चन नंबर सेवन आप खुद कर लीजिए, सेम ही है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस हैं, जो अब चेंज है वो मैं आपको करा देती हूँ, क्योंकि आपके भी एग्जाम चल रहे होंगे तो आपकी थोड़ी इससे प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर एट है, फोर एक्स अपॉन फाइव माइनस एक्स इजकल टू माइनस के नाइन, ये हमें दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई करेंगे सेम बाई फाइव माइनस एक्स बोथ साइड, तो फोर एक्स अपॉन फाइव माइनस एक्स और मल्टीप्लाई फाइव माइनस एक्स इजकल टू माइनस के नाइन, फाइव माइनस एक्स कैंसिल, तो फोर एक्स इजकल टू बचा नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव माइनस के और माइनस माइनस प्लस नाइन एक्स, तो फोर एक्स माइनस के नाइन एक्स इजकल टू माइनस के फोर्टी फाइव, यहाँ से बचा माइनस के फाइव, नाइन में से फोर के माइनस के फाइव इजकल टू माइनस के फोर्टी फाइव, तो माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स इजकल टू फोर्टी फाइव अपॉन फाइव, तो फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव, तो एक्स इजकल टू क्या आ गया नाइन। चेक करो, चेक कर लेते हैं, फोर एक्स अपॉन फाइव माइनस एक्स, तो फोर इंटू नाइन अपॉन फाइव माइनस के नाइन, तो क्या हो जाएगा नाइन फोर जा थर्टी सिक्स और माइनस के फोर, तो फोर नाइन जा थर्टी सिक्स, तो माइनस के नाइन, तो माइनस के नाइन ही आना चाहिए, तो ये हमारा माइनस का नाइन आ गया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइव बाई माइनस टू और थ्री बाई प्लस टू इजकल टू सेवन अपॉन फाइव, सेवन अपॉन फाइव बार ठीक है, तो करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे सेम, मल्टीप्लाई बाई थ्री एक्स सॉरी थ्री बाई प्लस टू बोथ साइड, तो क्या है फाइव एक्स माइनस टू बाई और ये थ्री बाई प्लस टू अपॉन थ्री बाई प्लस
इक्वल टू 7 अपन 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 by +2 कैंसिल, तो 5 by -2 इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21 अपॉन 5 by और प्लस 7 2 जा 14 अपॉन 5, इसे ले आएंगे 5 by -21 अपॉन 5 by इक्वल टू 14 अपॉन 5 और प्लस के 2 1 करके इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 25 by -21 by अपॉन 5 इक्वल टू 14 प्लस 5 2 जा 10 अपॉन 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ से क्या बचेगा 4 अपॉन 5 by और इक्वल टू यहाँ से 24 अपॉन 5, तो 5 से 5 कैंसिल तो by इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 अपॉन 4, तो 4 6 जा 24 तो by इक्वल टू 6, तो चेक कर लेंगे अब तो क्वेश्चन क्या है 5 by -2 अपॉन 3 by +2 तो रख देंगे वैल्यू 5 into 6 -2 और 3 into 6 +2 तो क्या आ जाएगा 5 6 जा 30 -2 और यहाँ से 6 3 जा 18 +2 तो क्या आ गया 28 upon 20, तो 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20 तो क्या आ गया आंसर 7 upon 5, तो यही तो था, इस प्रकार से करेंगे। इसी प्रकार से 10 है a+5 और a+3 इक्वल टू 3 upon 2 सेम मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो a+5 अपॉन a+3 मल्टीप्लाई a+3 कैंसिल इक्वल टू 3 upon 2 a+3, तो a+5 इक्वल टू 3a+2 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 2, तो इधर ले आएंगे a माइनस के 3a upon 2 और इक्वल टू 9 upon 2 - 5, तो क्या बचेगा यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2a - 3a upon 2 और यहाँ से 9 - 5 2 जा 10 upon 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा -a = -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल तो a = 1, चेक करेंगे क्या है a+5 upon a+3, तो 1 + 5 और 1 + 3 तो क्या हो गया 6 upon 4, तो 2 3 जा 6 2 2 जा 4, तो 3 upon 2 ही तो आ रहा है यहाँ पर, तो ये आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद प्रैक्टिस करिए, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन को हमें करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लीजिए, तो 13 करा देती हूँ और जो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है उसकी भी प्रैक्टिस खुद करिए। ठीक है, ताकि आपकी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो सके, तो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं हम। 2 by -15 upon 1 - 3 by इक्वल टू 29 upon 22, तो मल्टीप्लाई बाई 1 - 3 by बोथ साइड, तो 2 by -15 upon 1 - 3 by मल्टीप्लाई 1 - 3 by कैंसिल इक्वल टू 29 upon 22 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 - 3 by से, तो 2 by -15 इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 upon 22 माइनस के 3 से 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6 और 2 28 by upon 22, तो इधर ले आएंगे 2 by
प्लस के 87 बाई अपॉन 22 इज इक्वल टू 29 अपॉन 22 माइनस के प्लस के 15 क्रॉस करेंगे वन करके ऐसे लेंगे तो 44 बाई प्लस 87 बाई अपॉन 22 सेम तो करेंगे इसका 29 प्लस 330 अपॉन 22 तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 7 और 4 11 और 8 और 4 4 गए तो 3 और 8 में से 4 गए 4 माइनस के बाई और इक्वल टू यहाँ से 301 तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 301 अपन 43 माइनस के तो इसे काट देंगे डिवाइड करेंगे तो ये 7 बार जाएगा तो बाई इक्वल टू माइनस 7 ये माइनस के 7 है इसलिए अलग कलर से कर दिया है मैंने ठीक है अब चेक कर दोगे अब तो क्या है 2 बाई माइनस के 15 अपॉन 1 माइनस 3 बाई तो करेंगे 2 इंटू माइनस के 7 और माइनस के 15 अपॉन 1 माइनस के 3 इंटू माइनस के 7 तो क्या आ जाएगा माइनस के 14 और माइनस के 15 और यहां से 1 माइनस के माइनस माइनस प्लस 21 तो क्या हो जाएगा माइनस के 29 अपॉन 22 यही तो आ रहा है इधर राइट हैंड साइड ठीक है इस प्रकार से करेंगे तो स्टूडेंट इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 7A यहाँ पर समाप्त होती है तो स्टूडेंट्स मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है वीडियोस पसंद आ रही हैं क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ठीक है तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार।